बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हबीबास किचन में एक बार फिर बहुत मज़े की नई रेसिपी के साथ खुशामदीद। आज हबीबास किचन में हम बना रहे हैं एगलेस फ्रूट केक। ये बहुत मज़े की रेसिपी है। एगलेस फ्रूट केक हम बनाएंगे बहुत आसान तरीके से, वो भी विदाउट अवन। और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एगलेस फ्रूट केक को बेक करने के लिए सबसे पहले हम मोल्ड को रेडी करेंगे और मोल्ड को हम ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। और ग्रीस करने के बाद हम इसमें रखेंगे बटर पेपर और बटर पेपर को भी ग्रीस कर लेंगे। ये हमारे पास हाफ कप टूटी फ्रूटी है। इसमें हम डालेंगे एक टेबलस्पून मैदा और इनको अच्छे से मिक्स करके एक साइड पर रख देंगे। अभी ये हमारे पास है हाफ कप ऑयल और ऑयल में हम डालेंगे हाफ कप पिसी हुई चीनी। इनको हम मिक्स कर लेंगे। इनको हम एक से दो मिनट तक अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इससे जो हमारा केक है वो स्पॉन्जी और फ्लफी बनेगा। और अभी ये हमारे पास एक कप दूध है। दूध रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। और इसमें से अभी हम हाफ कप इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद केक के फ्लेवर को बेहतरीन बनाने के लिए ये हमारे पास है वनीला एसेंस। और वनीला एसेंस हम डालेंगे 3 से 4 ड्रॉप और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी ये हमारे पास है मैदा। मैदा हम डालेंगे 1.5 कप और 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी ये हमारे पास बाकी हाफ कप दूध है जो कि हम बैटर में डालेंगे और एक ही दफ़ा में सारा दूध नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। याद रहे कि केक का बैटर बनाने के लिए जो हम मैदा इस्तेमाल करेंगे उसे बैटर बनाने से पहले अच्छे से छान लेंगे। ऐसा करना ज़रूरी है, इससे जो हमारा केक है वो ज़्यादा फ्लफी और मज़े का बनेगा। एगलेस फ्रूट केक बनाने के लिए हमें 1 कप दूध चाहिए होगा जिसको हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। अभी हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सिरका और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप सिरके की जगह लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम इसमें डालेंगे टूटी फ्रूटी और टूटी फ्रूटी डालने के बाद इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी टूटी फ्रूटी हम बचा लेंगे केक को डेकोरेट करने के लिए। अभी केक बनाने के लिए ये हमारा बैटर जो है वो रेडी है। इसको हम डालेंगे मोल्ड में। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा बैटर है वो कितना स्मूथ बना है, कोई लम्स नहीं है इसमें। और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल इसी तरह की होनी चाहिए, बहुत ही परफेक्ट और बहुत मज़े का केक बनाने के लिए। मोल्ड में डालने के बाद हम इसको 3 से 4 मरतबा टैप कर लेंगे ताकि इसमें जो बबल्स हैं वो नहीं रहें। करने के बाद अभी हम केक को बेक करने की तरफ चलते हैं और बेक करने के लिए हम अवन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास कढ़ाई है जिसको हमने 10 मिनट के लिए प्री हीट किया है और इसमें हम रखेंगे प्लेट इस तरीके से और इसके ऊपर हम रखेंगे केक और इसको हम कवर कर देंगे एक गर्म कपड़े से ताकि जो इसकी गर्म एयर है वो इसके अंदर ही रहे और केक जो है वो हमारा अच्छे तरीके से बेक हो। अभी केक को हम 30 से 35 मिनट के लिए लो फ्लेम पे बेक करेंगे। लो फ्लेम पे बेक करने के बाद ये हमारे पास जो केक है वो रेडी है। अभी हम केक को चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि केक हमारा अच्छे से बेक हो चुका है। तो अभी हम इसको निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। केक को ठंडा करने के बाद अभी हम इसको डीमोल्ड करेंगे। केक को ठंडा करने के बाद हम छुरी की मदद से केक को इस तरीके से किनारों से हटा लेंगे ताकि केक को डीमोल्ड करने में आसानी हो। आप देख सकते हैं कि केक जो है वो बहुत आसानी से मोल्ड से निकल आया है। अभी हम इसका बटर पेपर हटा देंगे। आप देख सकते हैं कि केक हमारा बहुत अच्छे तरीके से बेक हुआ है, बहुत मज़े का और बहुत फ्लफी बना है। अभी हम इसको काट के देखते हैं कि केक हमारा कितना मॉइस्ट और कितना सॉफ्ट बना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि केक हमारा बहुत मज़े का, बहुत सॉफ्ट और बहुत फ्लफी बना है। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।